एसोसिएट मैसेल्फ रहमत अली मंडल। लास्ट तीन साल में बिजनेस में हूँ और इस 3 साल में मार्वल से बहुत कुछ सीखने को मिला। मार्वल का जो सीनियर लोग है और सिस्टम है बहुत कुछ सीखा हूँ और आज भी मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। आज मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ अभी भी, तो बहुत कुछ सीखा नहीं पाऊंगा जो अभी इतना सालों से सीखा हो। लगभग 15 मिनट में शेयर करने का कोशिश करूंगा और जो मैं बोलूंगा मेरा जो सीनियर लोग है सब उसी से सीखे, उनके साथ रहते हुए उनके साथ बात करते हुए जो जो एटीट्यूड मैंने देखा है, जो जो बातें मुझे अच्छे लगा है वही लाइफ ने कुछ अप्लाई किया है और आज बिजनेस से मैं इतना आगे आ पाऊँ, आज बिजनेस में इस पोजिशन में हूँ। तो लास्ट 15 मिनट बात करूंगा और जो मुझे अंदर है, जो मुझे आता है मैं उसी हिसाब से बात करूंगा। और बात करने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, मेरा जो सीनियर लोगों ने है, जिन लोगों ने आज मुझे काबिल समझा इसके लिए, तो उन लोगों को पहले मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे काबिल समझा। तो आज देश का सिचुएशन सभी जानते हैं, आज इस वक्त सभी एसोसिएट घर में बैठे हैं, कुछ एसोसिएट अभी बोरिंग भी फील कर रहे हैं, कुछ दिन कुछ होमवर्क था अभी थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी लगता है बोरिंग सा लग रहा है और कितना दिन लॉकडाउन चलेगा, 3 तारीख तक कैसे रहेंगे और घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है, आज बिना पानी के एक मच्छी को रहने में जितना तकलीफ होता है उससे ज़्यादा तकलीफ होता है एक एसोसिएट को, एक एक्टिव एसोसिएट को सीनियर से ना मिल पाना, जूनियर एसोसिएट से ना मिल पाना और फोर बेसिक के काम के अलावा बहुत बहुत दिक्कत होते है। तो आज हम सभी लोग फंसे हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट का एडिशन। लेकिन लॉकडाउन में बारे में बात करेंगे तो हम लोगों को समझ में आता है लॉकडाउन मतलब हमको घर में रहना है, लेकिन लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर में नहीं रहना है, लॉकडाउन का मतलब आज ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है। आज एक देश का अर्निंग जहां से आता है उसका फार्मिंग सेक्टर की लेके उसका रियल स्टेट जो बिजनेस है, छोटा मोटा जो बिजनेस है, उसका इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री से लेके गेमिंग इंडस्ट्री से लेके जो कुछ भी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट से लेके जितना इंडस्ट्री है जहां से अर्निंग आता है सब कुछ आज स्टॉप है, आज बंद है। उसी हिसाब से वही सिचुएशन पे आज हम लोग घर में बैठे हैं, लेकिन घर में बहुत सेफ है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन इसी वक्त बहुत बंदा है, अच्छा खासा फैमिली का बंदा है जो अभी किसी स्टेशन में रास्ते पे सड़क पे खड़ा हुआ है, घर आने का मौका नहीं मिल रहा, 2 वेला खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक टाइम खाते हैं तो दूसरे बार कुछ नहीं मिलता है। न्यूज में भी हम लोग बहुत सारी देखे, अभी सिचुएशन ऐसा है, बहुत बंदा है जो सड़क में जो कुत्ते हैं कुत्ते के साथ खाना शेयर करके खाते। अभी हम जो स्टेट में रहता है उसका नाम है यूपी और अभी यूपी में हाल ही में एक न्यूज आया था, एक माँ 4 बच्चों के 5 बच्चों के लेके नदी में जलांग लगाए कूदने के लिए, क्योंकि उनका मानना है अभी लॉकडाउन इतना लेंथ हो गया और भी आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के स्टेप ले रहा है आगे भी बढ़ेगा, लेकिन उसी हिसाब से उनका खाना भी नहीं है, उनका फैमिली गुजारने के लिए जो इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए वो भी नहीं है, कुछ सोच भी नहीं पाए, इसलिए डिसीजन ले लिया जो खुदकुशी करके एक कुछ मिलेगा। सिर्फ ये नहीं, आज पूरा दुनिया में रिसेंटली आप बांद्रा में देखिए मुंबई का बहुत सारी मजदूर है, बहुत सारी डेली लेबर है जो घर जाना चाहते हैं बहुत स्टेट किए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज देश का हालात ऐसा है ट्रांसपोर्ट नहीं काम कर रहा है। वो लोग सोचे थे जब 21 दिन का लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा वो घर में आ सकते, लेकिन कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जब कुछ स्टेप नहीं लिया वो लोग विथड्रॉ कर दिया और स्टेशन में जाके बहुत आवाज करने लगा, लेकिन मिला क्या, बहुत पुलिस आया और लाठी चार्ज किया और सबका संद कर दिया। लेकिन आज देश का कंडीशन सिर्फ यही नहीं है, ये तो सिर्फ एक टेलर है और आगे जो होने वाला है अगर आप सोचेंगे तो सपना भी सोचेंगे तो भी डर जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं आईएलओ जो रिपोर्ट दे रहा है आज ऑल ओवर वर्ल्ड, तो छोड़ ही दो आज अमेरिका जैसा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का हालत क्या है हम लोग सभी जानते, तो पूरा वर्ल्ड के बाद छोड़ दो, सिर्फ इंडिया में 40 करोड़ लोगों का नौकरी जाएगा ये सच में बुरा बात है, लेकिन जिन लोगों का नौकरी रहेगा
नकली बच जाएगा, काम करेगा, उनके लिए तकलीफ और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था, लगभग 250 कंपनी का सीईओ का एक सेमिनार हुआ था, और उसी में सभी बोल रहा है आज इकोनॉमिकल कंडीशन इतना गिरा हुआ है, हम लोग बहुत लॉस में रन कर रहा हूं, हम लोगों का इकोनॉमी, हम लोगों का स्टेटस बहुत गिर चुका है, जब लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर से काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोगों को जो भरपाई हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका भरपाई करने के लिए बहुत स्टेप लेना होगा। क्या लेना होगा? जो हम लोगों का लेबर रहेगा, उस लेबर को बहुत टारगेट बढ़ा दिया जाएगा, टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा, एफर्ट भी उससे लेना होगा ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि लास्ट 2 महीने में कंपनी का जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करने के लिए, कंपनी 2 साल में जब भरपाई करेंगे तब तो एक लेबर का ड्यूटी आवर्स लगभग 2 गुना हो जाएगा। समझो, जो बंदा आज 10 घंटा काम करके परेशान हो जाता था, अभी उनका 15 घंटा देना पड़ेगा। जो एफर्ट दे रहा था, एफर्ट दुगना करना पड़ेगा। जो लोग का नौकरी जाएगा वो लोग तो तकलीफ में आ जाएगा, लेकिन जिसका नौकरी रहेगा वो भी बहुत खुशी से नहीं रह पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन गिरा हुआ है। और सभी कंपनी ने, हम लोग सभी जानते हैं प्राइवेट कंपनी का मेंटेलिटी क्या है, और वो मेंटेलिटी को और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी का नुकसान भरपाई करना है। लेकिन हम लोग बहुत सेफ है, हम लोग स्मार्ट वैल्यू जैसा इंडस्ट्री में ना हम लोगों का आईडी हराने का डर है, ना हम लोगों का कुछ खोने का डर है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज पूरा देश का कंडीशन देखिए, पूरा देश में आज सभी बंदा बैंकिंग सेक्टर में नहीं जा पा रहा है, ट्रांसफर कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी 90% बैंक आज बंद है। लेकिन उसके बावजूद आज कंपनी ने 11, 12, 10 जितना वीक आया है, टाइम से सबको पेट किया, टाइम से सबको इंसेंटिव दिया। और उसी हिसाब से देखू तो आज कंपनी का ईयर एंडिंग कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट ना होने के बावजूद आज कंपनी ने प्लैटिनम तक सभी अचीवर को जो बोनस मिलना था सब बोनस दे दिया, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, तकलीफ समझने के लिए कंपनी आज सिर्फ बोल नहीं रहा है, करके दिखा रहा है। आज गवर्नमेंट बोल रहा है स्टे होम स्टे से, इसलिए हम लोग सभी घर में रहना चाहता हूं, सेफ रहना चाहता हूं। लेकिन जिसका घर में कोई इनकम नहीं है, जिसका घर में खाना नहीं है, क्या वो सेफ रह सकते? एक आदमी का सेफ रहने के लिए सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटेलिटी भी सेफ रहना चाहिए, और मेंटली सेफ रहने के लिए इकोनॉमिकल कंडीशन चाहिए। आज पूरा देश में अर्निंग बंद हुआ है, आज पूरा देश में खाने की प्रॉब्लम है, अगर उनके पास पैसा नहीं है, खाने के प्रॉब्लम है, तो सेफ कैसे रहेंगे? लेकिन आज कंपनी स्टे होम स्टे सेफ ये नहीं बोल रहा है, सभी एसोसिएट के फोन में कंपनी के तरफ से जो मैसेज आता है, ये दोनों लाइन के पहले और एक लाइन लिखा रहता है, उसका क्या है, हम लोग गौर से जब मैसेज देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। वो 2 लाइन कि आगे और एक लाइन लिखा रहता है, डोंट पैनिक, यानी आज सिचुएशन जितना भी अंडर कंट्रोल हो जाए, सिचुएशन जितना भी घटेगा कोई बात नहीं, पैनिक होने का जरूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट वैल्यू में है और स्मार्ट वैल्यू आपके साथ में है, कोई बात नहीं, सिचुएशन में खड़े रहो और 2 दिन बाद निकल जाएगा, आपको खोने का डर नहीं है, जहां से आप कंप्लीट किया है वही से आप स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट वैल्यू हम लोगों से 1 वीक छीन लिया ईयर एंडिंग के लिए, लेकिन जब लॉकडाउन कंप्लीट हो जाएगा, स्मार्ट वैल्यू 1 वीक के बदले में हम लोग को 1 मंथ पूरा ईयर एंडिंग कंप्लीट करने के लिए दिया। जब आज पूरा आज ऑल ओवर वर्ल्ड का सभी इंडस्ट्री का पे आउट बंद हो गया है, पेमेंट बंद हो गया है, बैंक भी नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, वही जगह पे दड़िए वो जगह पे खड़ा होके आज स्मार्ट वैल्यू ने हम लोगों को ऐसा इनकम से लेके, इंसेंटिव लेके, बोनस से लेके सभी कुछ दे रहा है। जिसके अंदर में थोड़ा सा सोच है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, वो फ्यूचर देख पा रहा है, रियलिस्टिक सिचुएशन समझ में आ रहा है, वो लोग का तो समझ में आ गए। लेकिन कुछ लोग है जो अभी भी सीरियस नहीं। कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, सीनियर लोगों ने हम लोगों को बहुत सारी HW दिए थे, बहुत क्वेश्चन थे और आंसर घर में लिखना था। लेकिन बहुत सारे ऐसा बंदा है, एग्जाम में हम लोग आंसर देते थे मार्क्स पाने के लिए, बहुत सारे बंदा एग्जाम में जैसा उसी तरीके से आंसर लिखा और लिखने के बाद जैसे तैसे लिख के छोड़ दिया।
लेकिन अगर थोड़ा गौर से उन क्वेश्चन को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये क्वेश्चन का सलूशन मेरे पास बहुत सारी, एक नहीं दो तीन चार पांच तरीके के सलूशन होते हैं। ये मेरा बिजनेस का एसेट है, आगे जब मैं जाऊंगा और हर एक नॉलेज हमका पास है तो फ्यूचर में मुझे बहुत काम में आए। हम लोगों को जो जो ट्रेनिंग यूट्यूब में आया है लॉकडाउन होने के बाद, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है जहां मिल नहीं पा रहा है, ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, वही जाके ये एक मतदान है, ये एक चैलेंज है। हम सभी एसोसिएट या सीनियर या जूनियर से जुड़ पाते और घर में बैठ के ट्रेनिंग का एटीट्यूड, ट्रेनिंग का फिलोसॉफी, ट्रेनर का सब कुछ लेते हैं घर में बैठ के सेफ रह के। तो यूट्यूब में हम लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग देखने को लिए मिला और बहुत सारी ट्रेनिंग में हमको ये जानकारी मिला है जो लॉकडाउन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी बंदा है जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं फेसबुक करके, व्हाट्सअप करके और सोशल मीडिया में बहुत सारी टाइम देते। मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां पे वॉरेन बफेट का एक कोर्स था। उस कोर्स में मैं एक अच्छा लाइन सीखा हूं, मैं वही शेयर करना चाहता हूं। और कोर्स में था, ऑनेस्टी कोई नॉर्मल चीज नहीं, ऑनेस्टी इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट बाय नेचर, नेचर का एक वैल्यूएबल गिफ्ट है ऑनेस्टी। आप किसी भी गिरा हुआ इंसान या सस्ते इंसान से आप ऑनेस्टी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अगर आप किसी गिरा हुआ इंसान के ऑनेस्टी के बारे में एक्सेप्ट कर लिया, सोच लिया वो ऑनेस्टी मेंटेन करेगा, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, कुदरत का खेल है। जो बंदा सीरियस है, जो बंदा लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो बंदा कभी खुद के साथ दिस ऑनेस्ट नहीं होते। बस तो ये बंदा है, क्वेश्चन के आंसर अभी नहीं लिखा है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी नहीं किया है, फिर भी वो बोल देते है ज्यादा सब कुछ मुझे हो गया। लेकिन छानबीन करेंगे तो पता चलेगा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी बोल दिया, क्योंकि उसको नाम कमाने का बहुत शौक था। वो खुद के साथ डिसऑनेस्ट, जितना भी वो बोलेगा सीनियर लोग बिलीव कर लेंगे, बिलीव करने के बाद फायदा कुछ भी नहीं होगा उन एसोसिएट को, क्योंकि वो खुद के साथ डिसऑनेस्ट है। इसलिए पहले मुझे खुद के साथ ऑनेस्ट होना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी सीनियर है नहीं, मैं मुझे बोलने के लिए, गाइडलाइंस देने के लिए कोई है नहीं, मैं घर में बैठा हूं, अकेला हूं। लेकिन एक बात है, कोई लोग देखूं या ना देखूं, ऊपर में बैठ के एक लोग जरूर देख रहा है, उसका नाम गॉड। तो सभी को चकमा दे सकता है, सभी को गलत बोल के निकल सकता है, लेकिन एक बंदा से नहीं निकल सकता, उसका नाम है गॉड। वो देख रहा है और उसी हिसाब का आने वाला टाइम में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। पहले जब 21 दिन का लॉकडाउन था, बस तो ये बंदा ऐसा भी है, अच्छी तरह से एसेट कलेक्ट किया, अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन नोट्स कलेक्ट करके सब कुछ लिख लिया। लेकिन हम लोग बहुत लकी है, सिर्फ खाते में रहना नहीं चाहिए ये नोट्स। जब 21 दिन कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट ने फिर से लॉकडाउन सूचना कर दिया और उस लॉकडाउन का नाम दिया लॉकडाउन 2.0। हम लोगों के लिए भी 2.0 ही, क्योंकि पहले वाला लॉकडाउन में हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट ही किया, लेकिन 2.0 में नेक्स्ट लेवल में वो सभी इंफॉर्मेशन को लेके स्टडी भी अच्छी तरह से करना है और प्रैक्टिस भी करना है। इसे हम लोगों का कम्युनिकेशन स्किल, हम लोगों का इनर क्वालिटी, हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अच्छा होने वाला है। किसका होने वाला है? जो पूरा लॉकडाउन का अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन आप नॉर्मली ये सोचेंगे, घर में बैठेंगे सब कुछ काम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा, ये आपका गलत सोच है। अब घर में बैठ के पूरा दिन कॉलिंग करो, मम्मी आएगा, पापा आएगा, बोलेगा पूरा दिन फोन में ही पड़ा हुआ है, क्या करते है? खाना पीना कुछ करो, बाहर जाके देखो पापा कितना तकलीफ करते है, घर में बहुत काज है, काज में हाथ लगाओ, कॉल भी नहीं करने देगा। पूरा दिन लिखने रहोगे तो भी आके बोलेगा पूरा दिन क्या लिखते हैं, काम तो वही है पकड़ने का, वही काम करेंगे तो इतना सारा लिखने का जरूरत क्या है। लेकिन मम्मी को पता नहीं आज पूरा दुनिया स्टॉप्ड है, लेकिन एक ही चीज अभी भी चल रहा है,
एक ही कंपनी अभी भी पेमेंट दे रहा है, अभी भी इंस्टेंट भी भेज रहा है, वो है स्मार्ट वैल्यू। और हम स्मार्ट वैल्यू में अभी बहुत बड़ा अचीवर नहीं बना हूं, लेकिन फ्यूचर में होने वाला हूं। और अभी जो करने वाला हो, अभी जो करना चाहिए वो मैं घर में बैठ कर अभी मेरा एसेट बन रहा हूं, वो नहीं समझेगा, वो बहुत कुछ बोलेगा। और वो सुन के हम लोग घर में बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उनके बात सुन के अच्छा हो के घर में काम हाथ लगाएंगे, तो आगे जाके क्या मैं कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इसके मतलब ये नहीं है घर में कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, घर में भी काम करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम देना है और पूरा टाइम मेरा एसेट बनाने के पीछे देना है, मुझे स्किल प्रैक्टिस करने के लिए देना है। मेरा जो लिस्ट है अगर मैं यूटिलाइज नहीं करेंगे तो लिस्ट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जो लिस्ट है अगर इन्वाइटिंग में अभी ना कर पाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन भी रखना है, बात भी करना है, इससे क्या होता है लिस्ट भी नहीं वेस्ट होगा, उसके साथ मेरा जो स्किल था वो घटेगा नहीं, लेवल में रहेंगे या डेवलपमेंट होगा। तो बहुत कुछ करना है और बहुत ट्रेनिंग हम लोगों को मिला है, जो ट्रेनिंग लेने के बाद यूट्यूब में हम लोग समझ गए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ और भी बात है, लेकिन टाइम बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम में है स्मार्ट वैल्यू आज नंबर वन, ये बोलने का चीज नहीं, स्मार्ट वैल्यू आज प्रूफ करके दिखाया। लेकिन हम लोग जो जिस टीम में है, हम लोग जिस टीम में काम करते वो आज दुनिया का नंबर वन टीम है। आज सभी बंदा एक पर्सन को जरूर नाम जानते हैं, उसको पाना चाहते, उसका नाम है विकास दा। हम लोग विकास दा का टीम में है, नंबर वन टीम में है, और हम लोगों के काम भी उसी तरह से करना है नंबर वन की तरफ। तो जो टाइम हम लोगों को मिल रहा है उसी टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके आगे बढ़ना है, और उसी हिसाब से मेरा क्वालिटी जब ग्रोथनेस होगा, क्योंकि आज इकोनॉमिकल कंडीशन घट रहा हो और पूरा देश को इकोनॉमी गिर रहा हो, जब लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद सभी इंडस्ट्री ने अपना फायदा, अपना जो तकलीफ हुआ है, अपना जो नुकसान हुआ है वो कंप्लीट करने के लिए पेशा बढ़ा देंगे नॉर्मल लेबर के ऊपर, उसी वक्त हम लोग भी काम स्टार्ट करेंगे, सिर्फ खुद के लिए नहीं टोटल कंट्री के लिए करना है। क्योंकि जब हम सभी लोग उसी टाइम पे अच्छी तरह से काम करेंगे, पूरा इंडस्ट्री अच्छी तरह से बिजनेस करेंगे, तो भी इंडस्ट्री इकोनॉमिकल कंडीशन ग्रोथनेस होगा। और आज उसी सिचुएशन के लिए आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले हम जिस स्पीड से काम कर रहा था, खत्म होने के बाद और भी स्पीड हम लोगों का बढ़ जाएगा, क्योंकि काम करते वक्त बहुत ऐसा चीज होता है जिसको प्रैक्टिस करने का जरूरत है, जिसके ऊपर नॉलेज लेने का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज जो जो जगह पे नॉलेज या इंफॉर्मेशन लेना है, घर में बैठ के ऐसे कलेक्ट करते रहेंगे तो हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत नॉलेज, बहुत कॉन्फिडेंस मुझ में आ जाएगा। और जो स्पीड से काम हो रहा था लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद स्पीड और भी आ जाएगा, जो प्रोस्पेक्टिंग, जो प्रेजेंटेशन हो रहा था और भी अच्छा होगा, जो इनवाइटिंग हम लोग करते थे और भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत टाइम हम लोगों को मिला अपना गलती, अपना प्लस पॉइंट सब कुछ देखने के लिए, सुधारने के लिए, बहुत बहुत नॉलेज हम लोगों को पास आ जाएगा। और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो खत्म होने के बाद लॉकडाउन हम लोग सही तरीके से स्पीड में आगे जा पाऊंगा। सिर्फ इसमें सिर्फ मेरे ही फायदा नहीं होगा, पूरा देश का फायदा होगा, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से खत्म होने के बाद देश का कंडीशन और भी घट जाएगा। और उसी टाइम पे हम लोग सही तरीके से काम करेंगे, हम सभी यंग जनरेशन अच्छी तरह से इनकम करके इनकम टैक्स भरेंगे, तभी देश जल्दी अपना नुकसान भरपाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो आज टाइम बहुत कम था, जो टाइम था मुझे बात किया, लेकिन और भी बात करना था, और भी नॉलेज शेयर करना था। आज पहला बार हूं, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, पहला वाला लॉकडाउन पहला 21 दिन जो सभी हम लोगों ने नॉलेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, दूसरा वाला 2.0 लॉकडाउन है, दूसरा वाला में अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करना है,
क्योंकि खाते में जो नोट्स है वो पूरा जिंदगी खाते में ही रह जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ कोटेशन, उसमें से कुछ स्टोरी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, दिल से समझेंगे, तो खाते से उठकर यहां आ जाएगा। और जब भी हम ट्रेनिंग देंगे, जब भी हम टीम से बात करेंगे, वो ऑटोमेटिक में निकल में आएगा, क्योंकि वो सिर्फ खाते में नहीं है, वो यहां पे आ गया। तो इसीलिए जो नॉलेज हम लोग कलेक्ट किया है, कल से शुरू करना होगा, कल से स्टार्ट करना होगा प्रैक्टिस करने के लिए। और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी उस नोट्स का फायदा मिलेगा, अदरवाइज वो पूरा जिंदगी में खाते में ही रह जाएगा। तो सबसे बात करके अच्छा लगा, और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, खुद के साथ हॉनेस्ट रहना है। कुछ देख पाएंगे या नहीं पाएंगे, एक बंदा जरूर देखेंगे, ऊपर वाला, ऊपर वाला से आप कभी नहीं माफी मांग सकते। आपका काम के हिसाब से, आपका काम का अनुसार से वो फ्यूचर में रिजल्ट देगा। आज आप कैजुअली आपका जो टाइम है लॉकडाउन का यूटिलाइज ना करके छोड़ देंगे, तो फ्यूचर में जाके ऊपर वाला वही रिजल्ट आपको देगा जिस रिजल्ट के काबिल आपको। इसलिए जो टाइम है टोटल यूटिलाइज करना है। तो सभी बंदे मैच्योर है, सभी बंदे अपना अपना अच्छा जानते हैं कैसे अपना अपन का अच्छा होगा। तो इसलिए सबसे बात करके अच्छा लगा, और दूसरे बार मौका मिलेगा तो सबके साथ फिर से बात होगा।